आयुष्मा, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आज हिंदी सिनेमा जगत की अभिनेत्री नरगिस दत्त की पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा जगत की सबसे पहली अभिनेत्रियों के रूप में नरगिस दत्त को याद किया जाता है। अपने जमाने में नरगिस दत्त ने खूब नाम कमाया। वो पहली ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो चुनौती वाली भूमिका का चुनाव करती थी। पर्दे पर उनका नाम भले ही नरगिस हो, लेकिन रियल लाइफ में उनका नाम फातिमा रशीद था। उनका जन्म 1 जून 1929 के पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। नरगिस की माँ अपने जमाने की मशहूर गायिका थी। वैसे वो कभी भी डांसर और एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, वो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। हालांकि माँ की इच्छा के कारण उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। आइए नरगिस दत्त की पुण्यतिथि के मौके पर जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद ही किसी को पता हो। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। उनकी माँ जरनबाई मशहूर गायिका थी। नरगिस ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता, लेकिन वो कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, वो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। हालांकि माँ की इच्छा के कारण उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। माँ की ख्वाहिश के चलते उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और फिर जो हुआ वो भारतीय फिल्मों के इतिहास का अहम हिस्सा बन गया। बॉलीवुड में छा जाने वाली नरगिस ने सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म तलाशे हक से अभिनय की शुरुआत की थी। तभी से उनका नाम बेबी नरगिस पड़ गया था। 1949 में नरगिस की बरसात, अंदाज जैसी कई फिल्में आईं। नरगिस को राज कपूर के साथ फिल्मी पर्दे पर काफी पसंद किया गया। लगभग 55 फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। साल 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस सुनील दत्त की मां की भूमिका में थी। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था। इस घटना के बाद नरगिस ने कहा था कि पुरानी नरगिस की मौत हो गई है और नई नरगिस का जन्म हुआ है। सुनील दत्त के साथ शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने 1967 में फिल्म रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला और जो राज्यसभा सदस्य बनी। कैंसर से जूझ रही नरगिस का 3 मई 1981 को निधन हो गया था। नरगिस सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि समाज सेविका भी थी। उन्होंने नेत्रहीन और विशेष बच्चों के लिए काफी काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।